कैसे हो बच्चों वेलकम टू एन निंजा सेशन नंबर एट आज है हमारा सेशन नंबर ओके थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस सेशन के बारे में बात करेंगे प्रीवियस सेशन में हम हम लोगों लोगों ने ने स्नेक गेम बनाया था जहां हम ने कुछ एडवांस सीखने की कोशिश की थी इन टर्म्स ऑफ स्क्रैच क्लोनिंग क्या होती है वेरिएबल्स को कैसे मैनिपुलेट करना है है ना एंड उसके अलावा हमने देखा था कि हमारे कोलिजन डिटेक्शन सिस्टम की मदद से हाउ टू अपडेट स्कोर एंड हाउ टू एंड गेम आज हम लोग बनाने वाले हैं वर्चुअल पेट्स पेट्स अभी वर्चुअल क्या है देखते हैं देखो आज का जो वर्चुअल पेट गेम है वो पहले मैं आपको चला के दिखाता हूं देन वी विल एक्चुअली एक्सप्लेन बहुत सिंपल गेम है एक, एग है। से एक पेट निकलेगा आप इसको फूड खिला सकते हैं आपके पास सम अमाउंट ऑफ कैश है अगर आपका कैश खत्म हो जाता है यू कैन प्ले दिस मिनी गेम टू एक्चुअली कलेक्ट योर कैश इफ यू टैप ऑन दिस बॉल द स्कोर विल गो अप सो इट्स अ लिटिल बिट हार्ड ओके ये हुआ और उसके अलावा देन यू विल सी ये पेट एक ट्रिक भी कर सकता है ओके okay? यहां पे देंगे तो ये फुटबॉल को क्लिक मारेगा अब यहां पे क्या है अब देखेंगे फूड शॉप में जाके यू कैन एक्चुअली परचेज एंड देन यू कैन क्लिक ऑन दिस एप्पल एंड योर पेट विल एक्चुअली ईट इट ओके बहुत सिंपल सी बात है आज का है हमारा टॉपिक वर्चुअल पेट्स वन सेकेंड वर्चुअल पेट्स आंसर वर्चुअल पेट्स में एक्चुअली करना क्या है देखो मैंने यहां एक चिक को लिया है आप कोई भी एक ऐसा पेट ले सकते हो द थिंग इज द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज एक्चुअली टेलिंग यू हाउ टू डू मल्टी स्क्रीन गेम है ना मल्टी स्क्रीन गेम क्लियर यहां पे कौन कौन से मल्टी स्क्रीन है एक तो है होम जहां पे आपको एक्चुअली में पेट दिखता है दूसरी है आपकी फूड शॉप क्लियर तीसरी है आपका मिनी गेम ओके क्लियर तो एक कॉन्सेप्ट है दैट यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट मल्टी स्क्रीन गेम्स ओके और इसको एक और चीज कहते हैं मल्टी नेविगेशनल गेम आप बहुत सारे स्क्रीन में नेविगेट करते हैं है ना गेम ये चीज हो गई क्लियर एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया अब देखिए दूसरी चीज क्या है ये हो गया अब हमारे पास वेरिएबल्स रहेंगे उन वेरिएबल्स को हम लोग मैनिपुलेट करेंगे पिछली बार क्या हो रहा था एवरी टाइम स्नेक वॉज ईटिंग द फूड उसकी लेंथ बढ़ रही थी तो वहां आप उतना ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे थे यहां आप क्या करेंगे मैनिपुलेशन का आप अलग तरीका सीखेंगे फूड परचेज करेंगे कैश कम हो जाएगा ठीक है तो फूड परचेज करेंगे तो यहां मैनिपुलेशन का एक और तरीका हम लोग देखेंगे जिसमें कहते हैं कैश मैकेनिक्स है ना इसको आप एक्सपी मैकेनिक्स भी कह सकते हैं एनीथिंग सपोज वॉट हैपन यू आर प्लेइंग माइंड क्राफ्ट देन बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस लेवल यू कैन एक्चुअली इन स्टफ ओके अलग अलग तरीके के लेवल्स चाहिए होते हैं टू एक्चुअली डू सम काइंड काइंड ऑफ लाइक अनब्रेकिंग दिस ऑफ स्टफ ओके तो वेरिएबल्स में डन हो गया एंड वी विल क्रिएट मल्टीपल वेरिएबल्स ओके मल्टीपल वेरिएबल्स मल्टीपल वेरिएबल्स वी आर गोइंग टू क्रिएट क्लियर मल्टीपल वेरिएबल्स हम लोगों ने क्रिएट कर दिया सिंपल एज दैट ओके उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट है सर देखो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यू विल बी एक्सटेंसिवली यूजिंग ब्रॉडकास्टिंग ओके ब्रॉडकास्टिंग इस प्रोजेक्ट की नीव है ब्रॉडकास्टिंग है ना ब्रॉडकास्टिंग में पहले भी बता चुका हूं एक बार और लिख देता हूं ब्रॉडकास्टिंग मीन जस्ट अ सिंपल थिंग फ अगर आप सपोज क्या हुआ एक एग्जाम्पल लेते हैं न्यूज एक एग्जाम्पल लेते हैं कोई घटना कहीं घटेगी तो न्यूज वालों से कवर करेंगे आफ्टर कवरिंग दैट पर्टिकुलर आर्टिकल या दैट पर्टिकुलर न्यूज वीडियो विल बी शेयर अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स तो एक जगह हुई वी ब्रॉडकास्टेड दैट इंफॉर्मेशन अराउंड द यू कैन से मल्टीपल मीडिया सेंटर्स तो ब्रॉडकास्टिंग मतलब डिलीवरिंग मैसेज ओके वन टू वन डिलीवर कर सकते हो वन टू मैनी डिलीवर कर सकते हो है ना इस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग की मदद से आप बनाएंगे नेविगेशनल कंट्रोल क्लियर ये हो गए हमारे कॉन्सेप्ट्स वर्चुअल पेट्स के तीन कॉन्सेप्ट ओके ये है आपके कॉन्सेप्ट्स जो आपको आज कवर करने हैं सर इस प्रोजेक्ट को बनाने का फायदा क्या है देखिए ये बहुत सिंपल सी चीज है सपोज देर इज अ गेम कॉल ड्रैगन सिटी बहुत पहले से चला आ रहा है वेयर यू विल एक्चुअली गेट एग उसमें से एक ड्रैगन हैच होगा यू कैन एक्चुअली ब्रीड मल्टीपल ड्रैगन्स टू क्रिएट अ न्यू ब्रीड यू कैन फाइट विद ड्रैगन्स दे ऑल हैव द सिमिलर मैकेनिक्स ओके उस गेम में क्या होता है देर आर सेगमेंट्स ऑफ द गेम वन सेगमेंट फॉर ब्रीडिंग वन सेगमेंट फॉर फाइटिंग वन सेगमेंट फूड शॉप वन सेगमेंट मिनी गेम टू एक्चुअली कलेक्ट कैश टू परचेज फूड ओके okay? तो मल्टीपल चीजें होती हैं उसी चीज को हम यहां कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं ओके okay? अब देख लेते हैं पहले तो अब हम इसको तीन फेज में डिवाइड करेंगे पहली बात देख लेते हैं वन सेकेंड हम्म हाँ तीन सेगमेंट में हम इसे डिवाइड करेंगे ओके okay? तो सेगमेंट वन इसे हम कहेंगे होम स्क्रीन ओके okay? होम स्क्रीन सेगमेंट टू फूड शॉप सेगमेंट थ्री मिनी गेम है ना क्लियर सो गेम विदिन गेम भी ये कॉन्सेप्ट यहां रहेगा ठीक है अब स्क्रीन में जो होगा हमारा हमारा रहेगा होम स्क्रीन उसमें हमें क्या चाहिए होगा उसमें वी नीड ऑल द आइटम्स कौन कौन सा आइटम्स चाहिए होंगे एक एग चाहिए होगा जो हैच होगा ओके okay? उसमें से चिक निकलेगा क्लियर ये तो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि भैया होम स्क्रीन पे दिखना ही चाहिए उसके बाद पहला तो ये हो गया दूसरा है ना ऑल आइकन्स ऑफ नेविगेशन है ना सर ये क्या है ऑल आइकन्स ऑफ नेविगेशन एक बार यहां देख लो बेटा अगर इस गेम को यहां देखोगे तो ये सारे जो है आइकन्स ये मल्टीपल चीजों को लेके जाते हैं ये फूड शॉप लेके जाता है ये आपको लेके जाता है एक्चुअली में मिनी गेम में एन बेल वाला दबाओगे तो इट विल डू अ ट्रिक ओके ओके यू कैन गिव एनी काइंड ऑफ अ अ कमांड फॉर डूइंग ट्रिक आप इससे मैंने बॉल किक करवाई यू कैन एक्चुअली मेक इट फ्लाई यू कैन एक्चुअली मेक इट थ्रो फायर अगर आपको ड्रॉइंग अच्छी आती है यू कैन एक्चुअली क्रिएट दट सफ ऑल्सो ओके ये हो गया सारी चीजें हो गई और तीसरी चीज है चेक वेल eat food on main screen on home screen home screen पे ही आप उसे feed करा सकते हैं clear okay food shop में क्या होगा भैया food shop में you can purchase food है ना ये चीज हो गई दूसरी चीज क्या हो गई फूड शॉप के साथ क्या चीज होगी एवरी टाइम यू मेक अ परचेज इन द फूड शॉप योर वेरिएबल विल बी एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग ओके सो वट आर द वेरिएबल्स दैट यू विल बी नीडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपको कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए होंगे मैं यहां लिख देता हूं मैं मैं यहां लिखता हूं वेरिएबल्स है ना दो मेजर वेरिएबल्स है एक तो है हंगर अगर आपका पेट हंग्री है तभी वो खाएगा दूसरा है कैश कैश है तभी आप क्या करोगे आप फूड शॉप से परचेज कर सकते हो तो फूड शॉप किस वेरिएबल से डील करती है फूड शॉप डील करती है आपके कैश वेरिएबल से क्लियर मिनी गेम किससे डील करेगा मिनी गेम भी आपके कैश वेरिएबल से डील करेगा है ना यहां पे क्या होगा कैश आप खर्च करेंगे आप फूड शॉप में कैश खर्च करेंगे है ना तो यहां पे क्या होगा यू विल डिक्रीज द कैश वैल्यू है ना और यहां पे आप क्या करेंगे प्ले अ मिनी गेम टू इंक्रीज कैश क्लियर टू इंक्रीज कैश सिंपल है तीनों चीजों के आपको पता लग गया भैया हर एक स्क्रीन का क्या एम है अब देख लेते हैं अगली चीज रिक्वायरमेंट देखेंगे हम तीनों सेगमेंट में किस किस की है ठीक है मैं अगेन यहां लिखता हूं होम होम स्क्रीन पे कौन कौन सी चीजें रहेंगी फूड शॉप एंड देन आपकी मिनी गेम ओके okay? क्लियर अब आ जाते हैं इधर ओके okay? पहले तो होगी स्प्राइट वाइज स्प्राइट क्या चाहिए होगी एक तो आपको चाहिए होगा एग एक चाहिए होगा चिक और फिर आपको आइकन्स चाहिए होंगे आइकन्स किसके फूड शॉप के देन मिनी गेम के देन उसके बाद किसका आइकन चाहिए होगा देन यू विल नीड अ डू अ ट्रिक करके एक आइकन होगा ओके डू अ ट्रिक तो ये सारी चीजें हो गई सिंपल है है ना उसके बाद फूड शॉप में क्या चाहिए होगा फूड शॉप में हमें चाहिए होगा पहली बात तो एक बटन स्प्राइट वाइज में लिखता जा रहा हूं बटन बटन क्यों? टू गेट बैक टू द होम स्क्रीन टू गेट बैक टू होम स्क्रीन क्लियर उसके बाद क्या चाहिए होगा एक एप्पल स्प्राइट है ना क्लियर एक एप्पल स्प्राइट चाहिए होगा सिंपल इज दैट और इस एप्पल स्प्राइट को हम लिखेंगे एप्पल स्प्राइट नंबर वन तो उसी तरीके से मेरे फूड शॉप में एक एप्पल का आइकन होगा यू हैव टू क्लिक इट टू एक्चुअली परचेज इट ओके तो ये क्या होगा ये एप्पल वन वो होगा एप्पल टू जो रहेगा आपका है ना ये आफ्टर परचेजिंग आपको विजिबल होगा कि आपने खरीद लिया ओके okay? ये हो गया मिनी गेम्स में क्या कर सकते हैं देखो मिनी गेम्स तो आप कोई भी बना सकते हो मैंने तो लिखा था एक रैंडम बॉल इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो गया इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आप कर सकते हैं उसका कैश का ये आप सीधा ले लो आपने कैच द एग करके बनाया ही है है ना तो यहां लिख दो कैच द एग करके एक गेम होता है जो हमने पहले बनाया था उसमें कैच द एग ओके यहाँ क्या होगा एवरी टाइम सॉरी यहाँ मैं स्प्राइट्स के लिए नहीं लिख दूँ एक बॉल होगा एग होगा है ना यहाँ कैच द एग की जगह हम लोग कर देते हैं कैच द कोई और ले लेते हैं चीज ताकि कंफ्यूजन ना हो स्प्राइट से स्ट्रॉबेरी करके एक और चीज वहां तो यहां क्या रिक्वायरमेंट होगी स्ट्रॉबेरी क्लियर ये चीज हो गई अब आपके देख लेते हैं क्या बैकड्रॉप्स की रिक्वायरमेंट होगी है ना बैकड्रॉप्स की क्या रिक्वायरमेंट होगी तो यहां में मैं ले लूंगा फार्म बैकड्रॉप है ना यहां में मैं ले लूंगा सिटी करके एक है जिसमें एक शॉप के बाहर का इमेज है वो ले लूंगा और यहां पे मैं नॉर्मली ब्लू स्काई ले लूंगा ये बैकड्रॉप के नाम है स्क्रैच में आप इन्हें सर्च कर सकते हैं क्लियर ये सारी चीजें हो गई अब चलते हैं स्क्रैच की तरफ पहले ये सारी चीजें इकट्ठा करते हैं है ना उसके बाद देखेंगे अगेन आई विल क्लिक ऑन है आई विल सर्च वन सेकेंड हा स्क्रैच फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे क्रिएट बटन मिल जाएगा लेट्स क्लिक ऑन इट क्रिएट क्लोज किया ओके okay, सब चीज डिलीट कर देते हैं पहले मैं लूंगा स्क्रीन के बैकड्रॉप है ना कैसे लेने हैं यहाँ थोड़ा सा नीचे आना है इस पर क्लिक करना है सर्च वाले पे जाना है पहले मैं ले लूंगा फार्म ओके okay, तो यहाँ आउटडोर्स में जाओ फार्म मिल गया ठीक है उसके बाद मैं ले लूंगा सर्च किया मैंने फिर से आउटडोर्स uh, में जाके सिटी टाइप कुछ है अर्बन, अर्बन करके एक है तो लुक्स शौप, शौप तरह, है तो की तरह ना अब मैंने यहाँ अभी देखो मेरे बैकड्रॉप ही सिलेक्टेड है मैं गया यहाँ बैकड्रॉप पे और पहले वाले को मैं कर दूंगा डिलीट ये ब्लैंक को है ना फार्म को लिखूंगा इसको फार्म रहने देते हैं इसको कर देते हैं होम सबको नाम देते स्क्रीन वाइज ये हो गया होम ठीक है ये हो गया मेरा फूड शॉप फूड शॉप ओके ब्लू स्काई इसको हम कह देंगे मिनी गेम क्लियर एंटर करके ओके okay, अब ये हो गया अब हमें क्या चाहिए तीनों हमारे चीजें सेलेक्ट हो गई हमने कर लिया है सिलेक्ट किस को वी हैव डन एवरीथिंग हमने बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लिया नाउ वी विल गो टू द वेरिएबल क्रिएशन वेरिएबल मैं आपको फिर से दिखा देता हूं एक हंगर है, एक कैश है ओके okay? एक हंगर है एक कैश है मैं गया कोड पे है ना कोड पे गया मैं और कोड पे जाने के बाद मैंने यहां क्लिक करना है वेरिएबल्स में मैं देखो यहां पे क्लिक कर रहा हूं वेरिएबल्स है ना और मेक अ वेरिएबल में यहां पे क्लिक करना है In यहां पहले मेरे वेरिएबल का नाम है सपोज कैश ओके एक और वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम मैं कर देता हूं वन सेकेंड मेक अ वेरिएबल की बोर्ड हंगर ओके तो एक हंगर लेवल हो गया एक हो गया कैश लेवल सिंपल इज दैट ओके अब क्या चाहिए मेरे को अब देखो यहां फिर से अब होम स्क्रीन की बात करते हैं तो यहां ऑल आइकन फॉर नेविगेशन चाहिए है ना इसे मैं ले आता हूं तो यहां हम ले लेते हैं फूड शॉप के लिए हमको बनाना होगा हमने क्या सर्च स्प्राइट में यहां सर्च करना होगा स्प्राइट में ऐसे उसके बाद जाना फूड्स में एंड मैंने क्या किया था मैं इधर नीचे जाऊं तो यहां पे एक वाटरमेलन है है ना वाटरमेलन को मैंने सेलेक्ट किया अब मैं वाटरमेलन की कॉस्ट्यूम्स में जाऊंगा ना बेटा तो यहां यह वाला वाटरमेलन सी ठीक है इसके नीचे मैंने टेक्स्ट कर दिया था टेक्स्ट क्या था फूड शॉप है ना एंड यहां से मैंने उसे इस तरीके से कर दिया था आई पिकड इट मैंने यहां इसको लगाया क्लियर फूड शॉप हो गई एंड इसको पिल कर दो किसी हुँ, हुँ. हाँ ओके ये कलर तो विजिबल नहीं है उतना सेचुरेशन कम करो इसको हाँ कोई भी एक चीज ले लो जिससे फूड शॉप विजिबल हो फूड शॉप का आइकन आ गया आपके पास क्लियर फूड शॉप का आइकन आ गया अब क्या चाहिए हमें आइकन चाहिए किसका वी नीड आइकन फॉर व्हाट वी नीड आइकन फॉर मिनी गेम है ना फिर से मैं इस पर क्लिक करूंगा सर्च करूंगा game, हम लोग करते हैं क्या था हमारा मिनी गेम का सपोज कोई जो लगे थोड़ा अच्छा सा हु, स्पोर्ट्स में देखते हैं कोई चीज मिलनी चाहिए स्पोर्ट्स में ये गोली वाला आइकन बहुत अच्छा लगेगा इधर है ना इसका साइज कम कर देता हूँ इसका साइज में कर देता हूं सपोज फोर्टी है ना क्लियर अब इस गोली के आइकन के नीचे मैं क्या लिख देता हूं मिनी गेम ताकि आपको पता लग जाए क्या है फिर से मैं गया कॉस्ट्यूम में बेटा यहां से ये सिलेक्टेड ही है, है ना मैं गया टेक्स्ट मैंने लिख दिया मिनी गेम ठीक है ये हो गया सिंपल सी बात है एंड कोड पे आ गया मैं तो एक हो गया मिनी गेम एक हो गया फूड शॉप अब क्या चाहिए था सर वी नीड अ बटन जिसको दबाने से चेक ट्रिक करेगा सो वी विल अगेन गो टू द स्प्राइट्स वी लेट सर्च फॉर अ बेल ये रहा बेल सर्च करने की जरूरत ही नहीं है साइज इसका कम कर दो आप थोड़ा है ना पॉटी कर देता हूं मैं क्लियर यहां आ गया सिंपल है तीनों चीज आ गई ओके अब क्या चाहिए थे स्प्राइट चाहिए थे एक एग चाहिए था हमें होम स्क्रीन पे एक क्या चाहिए था एक चिक चाहिए था समझे यहां गया मैं सर्च किया मैंने एग लिखा इस एग को ले आया यहां रख दिया एग आ गया और एक चिक भी ले आऊंगा मैं ओके okay, एक चेक आ गया एक एग आ गया एक का साइज एच का साइज थोड़ा कर देते हैं कम थोड़ा सा इसे कर देते हैं कम आ, 75 एंड एक का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं सॉरी लिख कर दो 120 हां ये सारी चीजें हो गई ठीक है ये होम स्क्रीन हो गया आपका यहां से गेम चालू होने वाला है और गेम कब चालू होगा इवेंट्स में जाके जब फ्लैग क्लिक होगा ठीक है जब फ्लैग क्लिक होगा फ्लैग क्लिक होगा तो क्या होगा भैया ये सारी चीजें दिखनी चाहिए है ना ये सारी चीजें दिखनी चाहिए तो आपको इन तीनों आइकन को और इन दोनों को बोलना पड़ेगा कि जैसे ही फ्लैग क्लिक हो यू हैव टू बी विजिबल आप जाना है वॉटरमेलन पे पहले यहां से शुरुआत करते हैं फ्लैग क्लिक हो लुक्स में गए शो ठीक है उसके बाद गोली पे गए इवेंट्स फ्लैग क्लिक हो लुक्स पे गए शो ठीक है बेल पे गए एंड देन इवेंट्स में गए फ्लैग क्लिक हो एंड देन लुक्स पे गए शो क्लियर एंड देन एग पे गए इसको क्या बोलना है फ्लैग क्लिक हो तो शो हो जाओ क्लियर चेक पे गए इसे भी यही बोलना है कि जब फ्लैग क्लिक हो शो हो जाओ क्लियर ओके okay? ये सारी चीजें आ गई तो हमारी होम स्क्रीन तय हो गई कि भैया इसे क्लिक करेंगे तो ये चीज चालू हो जाएगी सिंपल एस्टैक्ट ओके okay? अब अब थोड़ा चलते हैं एक वन सेकेंड हाँ। अब मैं चलूंगा फूड शॉप वाले के पास अब हमें करनी है फूड शॉप की कोडिंग ठीक है तो फूड शॉप वाला कहां से जाओगे फूड शॉप के बटन से यू विल एक्चुअली नेविगेट थ्रू टू द एक्चुअल शॉप सो जब ये फ्लैग क्लिक होगा तो भैया ये बटन शो होगा और मैं जब कहूंगा जब ये स्प्राइट पे क्लिक होगा मतलब इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो एक मैसेज भेजेगा ये है ना इस मैसेज में मैं रिकॉर्ड कराऊंगा गो टू फूड शॉप गो टू फूड शॉप ठीक है आप फूड शॉप पे जाना और उसके बाद क्या कर देना आप इसका पीछे का बैकग्राउंड बदल देना सिंपल है तो क्लियर? अब ये आ गया अब बात देखो फूड शॉप में हो तो मिनी गेम और इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है ना फूड शॉप में आए तो सिर्फ फूड शॉप के आइकन ही दिखने चाहिए जिसमें आपको ये दोनों एलिमिनेट कराने होंगे तो गोली को क्या बोलना है गोली को बोलना है कि भैया इवेंट्स में जाओ जब आप रिसीव कर दो मैसेज कि फूड शॉप गो टू फूड शॉप तब तुम छुप जाना तब तुम्हारा कोई काम नहीं है है ना और उसी तरीके से बेल को भी यही बोलना है कि बेल जैसे ही आपको यह मैसेज मिले सेकेंड यहां पे वेन आई रिसीव इसको हा फूड शॉप वाले पे तो आपको करना है इसको हाइट इसको कर देना हाइट क्लियर ठीक है अब इसे चेक करते हैं इस पर क्लिक किया ठीक है दोनों चीज वो हो गई अब एग और इसको भी यही बोलना है कि यार तुम्हारा तो काम ही नहीं है फोटोशॉप में मैं सामान खरीद के ला रहा हूं आप क्यों जा रहे हो तो अगेन सेम थिंग या आप यहां से काम करना ना बार बार लिखने की जगह इसको ऐसे ड्रैग करना एग के ऊपर ले जाके छोड़ देना ठीक है ये यहां आ गया इसे यहां ड्रैग करना चिक के ऊपर ले जाके छोड़ देना चिक के पास भी आ गया अब देखो सब आ गया फूड शॉप फूड शॉप में सिर्फ ये है अब क्या करना है फूड शॉप को क्रिएट करना है है ना? फूड शॉप में हमें एक एप्पल क्या करो यहां पे चले जाओ कॉस्ट्यूम्स में एंड यहां नीचे टेक्स्ट लिख दो सपोज इसकी कितनी कीमत है तो मैं यहां लिख देता हूं फाइव कैश है ना इसकी कीमत है वन सेकेंड ये यहां चला जाए फाइव कैश हो गई ठीक है सिंपल सी बात है एक कैश आ गया एक सामान आपके फूड शॉप में आप ऐसे मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हैं मैं एक ही करके दिखा रहा हूं सेम प्रोसेस है कोड रिपीट करोगे दूसरी चीज भी ऐड कर पाओगे है ना ये हो गया अब भैया एप्पल में कब विजिबल होना है पहली बात तो इस एप्पल के पास में जाता हूं यहां नीचे मैं बोलूंगा दो चीजें हैं दोस्त जब मैं इसको क्लिक करूं फ्लैग को और जब मैं एक मैसेज भेजूं है ना जब मैं मैसेज भेजूं कि फूड शॉप में जाओ तब तो आपको विजिबल हो जाना है और जैसी मैसेज भेजूं क्लिक कर रहा हूं आपको छुप जाना देखो ओके okay, ये हो गया अब क्या करना है यहां एक बटन लगाते हैं ताकि हम बैक कर पाए नेविगेट कर पाए बैकवर्ड्स यहां पे मैं गया मैंने एक बटन ले लिया सपोज हाँ इस बटन को ले लिया मैंने इस एरो लिया कॉस्ट्यूम में एरो को बैकवर्ड्स कर दिया इसका कलर चेंज कर देते हैं हुँ, हुँ, हुँ। है ना ये हो गया बैकवर्ड्स का ये एरो है ना अब ऐसे स्क्रीन के एरो को मेरे को कमांड करना है एरो को क्या बोलना है फिर से वही चीज इवेंट फ्लैग क्लिक करो छुप जाना जब तुम्हें मैसेज मिले गो टू फूड शॉप तब तो विजिबल हो जाना है ना लुक्स में गए शो एंड शो हाइट अब देखते हैं क्लियर यहां आ गया नेविगेशन वाला क्लिक हो गया है ना और जैसे इस स्प्राइट को क्लिक करेंगे ये क्या करेगा ये आपको एक कमांड देगा गो बैक टू होम स्क्रीन है ना गो बैक टू होम स्क्रीन इवेंट वेन आई क्लिक दिस स्प्राइट ऊपर चला गया हाँ. ये क्या करेगा मैसेज देगा ब्रॉडकास्ट न्यू मैसेज रिकॉर्ड करा दो यहां आप होम स्क्रीन कि भैया हम लोग होम स्क्रीन पे वापस जा रहे हैं ओके okay? हम लोग होम स्क्रीन पे वापस आ गए अब क्या करना है अब सारे सामानों को बताना है बाकी सारी चीजों को यार देखो जब वो बैक वाला एरो दबाएगा ना तो हमें फिर से उसी स्टेज पे चले जाना है फिर से उसी स्टेज पे चले जाना है जब हमने फ्लैग दबा के पहुंचे थे तो हर चीज को वही बता दो है ना क्या करना है सिंपल देखो बहुत छोटी सी चीज है जब आप रिसीव करोगे होम स्क्रीन तब किसको कर देना विजिबल मतलब शो कर देना गोली को ले जाके छोड़ दो गोली के पास भी एक कोड आ गया है ना? फिर इसको यहाँ से ले जाके बेल के ऊपर छोड़ दो बेल के पास भी एक कोड आ गया फिर इसको उठा के एक के ऊपर छोड़ दो एक के पास भी एक कोड आ गया फिर इसको उठा के चिक के ऊपर छोड़ दो चिक के पास भी एक कोड आ गया है ना एंड वन सेकेंड हा अब यहां क्या करना है इसमें अब मैं बोलूंगा कि यार अगर तुम जा रहे हो होम स्क्रीन पे तब तुम्हें क्या करना है तुम्हें, तुम्हें ये बार बार होम होम वन रिसीव मैसेज स्क्रीन तब तुम्हें छुप जाना है दोस्त इसको यहां से जल्दी से हाइड करा देता हूं सिंपल सी बात है है ना अब देखो सब आ गया ये आ गया यहां पे सब आ गया अब हमें क्या करना है ब्रॉडकास्ट करा देंगे मैसेज एन अलॉन्ग बैकड्रॉप टू होम स्क्रीन तो गया एरो वाले पे कि भैया तुम मैसेज तो दे रहे हो उसी के साथ क्या करना तुम कॉस्ट्यूम या बैकड्रॉप को चेंज करके कर देना होम पे देखो फूड शॉप क्लियर सिंपल सी बात है तो दो स्क्रीन का काम तो हो गया नेविगेशन पूरा हो गया अब मिनी गेम्स का नेविगेशन देखते हैं तो मिनी गेम के लिए हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेते हैं गेम बनाने के लिए उस यहाँ पे गया यहाँ से कोई एक फूड आइटम ले लेते हैं स्ट्रॉबेरी hmm, स्ट्रॉबेरी गई जैम hmm, ah, ये रही है ना स्ट्रॉबेरी है पहले तो इसका साइज कम कर लो थोड़ा फिफ्टी hmm, है ना अब इस स्ट्रॉबेरी को दोस्तों क्या बोलना है स्ट्रॉबेरी के पास चलते हैं स्ट्रॉबेरी को बोलना है कि दोस्त तीन चीजें होंगी फ्लैग क्लिक होगा या फिर आपको मैसेज मिलेगा है ना या फिर हाँ, और एक और चीज कर देते हैं मैं मिनी गेम को एक कमांड और देना चाहता हूं उससे पहले ठीक है मिनी गेम को मैं एक कमांड देता हूं कि जब यह स्प्राइट क्लिक होगा यह एक मैसेज देगा कि चालू कर दो मिनी गेम ब्रॉडकास्ट न्यू मैसेज मिनी गेम okay, मिनी गेम. तो यहां से क्या होगा भैया मिनी गेम हो गया है ना अब देखो क्या होगा अब मिनी गेम चालू हो गए तो आपको घबराना नहीं है मिनी गेम में ये सारी चीजें ऊपर देखते रहे तो कोई बात नहीं यू कैन एक्चुअली सी व्हाट इफेक्ट इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग ओवर द कैश वैल्यू ओके अब जैसे ही गोली वाला बटन दबाओगे तो इसको क्या मिला वेन आई रिसीव आपको मिल जाएगा एक तो मिनी गेम है और अगर आपको दूसरा मैसेज ये मिल गया होम स्क्रीन और आपको तीसरा मैसेज अगर गलती से ये मिल गया uh, is, मिनी गेम हो गया होम स्क्रीन हो गया गो टू फूड शॉप सिंपल स्टैट है ना ये तीन चीजें हो गई देखो किस किस में उसे दिखना मिनी गेम में दिखना बाकी दोनों से नहीं दिखना है लुक्स में गए मिनी गेम वाले में उसे दिखना है बाकी नहीं दिखना ठीक है? बात खत्म हो गई देखो आप क्लियर और जैसे ही फ्लैग क्लिक होगा तब भी उसे नहीं दिखना है ये गायब मिनी गेम में शो हो गई ठीक है मिनी गेम में शो हो जाना है क्लियर और अब बाकी सबको भी ये बताना होगा यार कि ही मिनी गेम चालू हो तुम एग और एग चिकन को गायब कर देना है ना एग और चिकन को गायब कर देना हु पकड़े चिकन के ऊपर भेज दिया मिनी गेम हाइड हो गया एग में यहां से मैं ले हूं ओके okay, एग वाले पे चिकन वाले पे मैंने लिखा था यहाँ पे मैं एग वाले पे भी छोड़ देता हूँ एग वाले पे भी आ गया अब देखो ये मिनी गेम सब गायब हो गया अब मिनी गेम में क्या करना है एंड यू ऑल्सो हैव टू चेंज योर बैकड्रॉप टू द थर्ड स्क्रीन ओके सो वी विल गो हेयर इन द गोली आइकन कि चेंज तो करोगे ओके okay? चेंज तो करोगे क्या बैकड्रॉप क्लियर एंड लुक्स में गए टू आपने कर दिया मिनी गेम है ना देखो अब क्लियर मिनी गेम में आ गए हम लोग दोस्तों अब यहां पे क्या करना है वी विल क्रिएट अ सिंपल गेम जो हमने पहले सेशन में बनाया था कैच द एग उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे कैच द स्ट्रॉबेरी एंड ना लेट्स यहां कोई बास्केट है <laughs> सर्च फॉर अ बास्केट नहीं तो हमें बॉल ही लेना पड़ेगा ओके okay? क्लियर हाँ अब देखो भैया फिर से अब जो जो चीज लेते जाओगे उसको कमांड भी देना है ये कब दिखेगा देखो ये हो गया ये 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 चार चीजें जब चालू होगा गेम तब इसे छुप जाना है है ना जब ये रिसीव करेगा कि फूड शॉप जाना है, तब इसे छुप जाना है जब ये रिसीव करेगा होम पे जाना है तब इसे छुप जाना है इसे कब विजिबल होना है जब ये कहेगा कि मेरे को चलो मिनी गेम्स है मिनी गेम्स में आपका ये विजिबल हो जाएगा अब देखना ये एंड देन मिनी गेम क्लियर ये हो गया सिंपल सी बात है है ना? एंड यहां पे क्या करना अभी से आप मूव कराने के कंट्रोल्स कर सकते हो सिंपल सी बात है आप जाना चलो स्पेस की से इसको स्टार्ट करेंगे इसे करना है फॉर एवर फॉलो करना है मेरे माउस पॉइंटर का गो टू है ना स्पेस की ले लेता हूं मैं रेट स्पेस की से इसे मिल गया आपका ये मोशन होने लगा एंड फिर स्ट्रॉबेरी वाले पे आ गए स्ट्रॉबेरी भैया को क्या बताने तुम रैंडमली आसमान से गिरना है ना ठीक है ये इधर आ गए ओके रैंडमली आसमान से गिरना तो आपको क्या करना है जैसे ही ये मैसेज दे हाँ जैसे ही मैसेज आपका है मिनी गेम मिनी गेम के नीचे हम कोड करेंगे हमने बोल दिया कि भैया तुम चले जाना गो टू रैंडमली कहीं से भी गिर सकता है टॉप पोजिशन से तो इसे ले लेंगे सर ये एक्स और वाई वैल्यू क्या है मैं फिर से बताता हूं बेटा कंफ्यूज होने की बात है ये नहीं अगर इसे देखोगे है ना तो ये आपकी एक स्क्रीन का हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया अगर इसे आप देखोगे इस तरीके से तो ये आपकी वर्टिकल एक्सेस हो गई ये हो गई एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाय पॉजिटिव y है ना अगर आप चाहते हो कि आपका एग कहीं से भी विजिबल हो आपका एग यहां से गिर सकता है 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 तो रैंडमली स्क्रीन पे कहीं से भी गिरेगा बट वन थिंग इज श्योर दैट इट विल स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम द टॉप वो टॉप ही से गिरेगा है ना तो ये हमने कर लिया एक्स वैल्यू के लिए कि भैया हॉरिजॉन्टली तो कहीं से भी गिर सकता है तो इसके लिए हमने क्या किया ये वैल्यू आप ले लेना माइनस एंड यहां पर ले लेना दो ठीक है बहुत सिंपल सी बात है इसको यहां लेके जाओ यहां लिख लेना टू हंड्रेड पॉजिटिव टू हंड्रेड एंड यहां पे अब यहां से गिरना है ना तो इसको आप यहां पे एक बार करके देख लेना यहां पे इसको पुट किया एंड देन इसकी वैल्यू क्या है यहां पे वाई है 93 थ्री so, सो 93 थ्री मिनिमम हो सकती है मैक्सिमम वन सेवेंटी हो सकती है क्लियर ओके एंड उसके बाद इसे क्या करना है उसके बाद इसे एक्चुअली में गिरना है ओके, okay? इसे गिरना है ओके सो फॉर कंट्रोल में गए फॉर एवर चेंज करेंगे वाई वाई को थोड़े वैल्यू से घटाएंगे घटाने का मतलब है दैट यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप एंड यू आर गोइंग टू तो द बॉटम सिंपल दैट ओके कंट्रोल okay? पे गया और मोशन पे जाना चेंज कर देना वाई हाँ ये लेके यहां लगा देना वन सेकेंड इसको कर देना नेगेटिव थ्री तो ये धीरे से गिरेगा क्लियर ओके एंड देन आपको क्या करना है अगर है ना अगर इसमें कोलिजन डिटेक्शन लगाते हैं अब मैं बोलूंगा अगर मैंने बॉल से टच कर लिया इसे सेंसिंग टचिंग वॉट hmm, क्या है हमारे पास हाँ अगर ये इसको टोरे से टच हो गया इस बॉल से टच हो गया देन अगेन ही ऊपर चला जाएगा फॉर दैट कुछ नहीं करना इसको हटाना इधर लाना करना है वो वन सेकेंड थोड़ा इधर चला जाइए डुप्लीकेट कर लेना इसे यहां लगा देना है ना सिंपल सी बात है ओके तो लेट्स चेक इट मिनी गेम ओके ओके ग्रेट ठीक है एक काम कर रहा है तो एक और करेंगे इसको डुप्लीकेट कर लेंगे सिंपल एज दैट सारा कोड आपने गया डुप्लीकेट कर लो एंड एक और बारी से डुप्लीकेट कर लो एक दो ठीक है ओके okay? हाँ अब क्या देना है अगर ये स्ट्रॉबेरी अगर ये स्ट्रॉबेरी क्या हो टच कर जाए किससे ये टच कर जाए अगर ग्राउंड से तो मिनी गेम आपका एंड हो जाएगा है ना तो अगेन यहां पे आपको लेना है कंट्रोल में जाना और एफ और देन है ना मैं देखो फिर से बताता दूं घबराने की बात नहीं है इधर ये आपका कोलिजन डिटेक्शन है बेटा डिटेक्शन यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर बॉल से टकराऊंगा तो मैं ऊपर और अगर मैं जमीन से टकरा, गया या से टकरा गया क्या होगा मैं गेम को ही एंड कर दूंगा क्लियर हाँ अगर मैं मोशन एंड ओ, सॉरी सेंसिंग भूल ही गया यहां पे H से तो क्या होगा ठीक है अब देखो इनमें से अगर किसी ने भी टकराया और ये मैसेज दे दिया कि होम स्क्रीन पे जाओ तो सिंपल है, बात हो हमारे पास एक है कि गो टू होम ब्रॉडकास्ट कर दो होम स्क्रीन क्लियर इसको ऐसे पकड़ना है दूसरी स्ट्रॉबेरी के ऊपर ले जाके छोड़ देना है इसके पास भी एक कोड आ गया होगा मेरे हिसाब से नहीं आया ओके हो कहा चला गया वो कोड यहां पे अब देखें ये रहा वही तो मैं सोचू ऊपर हाँ है एंड यहां पे भी ये ऊपर आ गया सो तीनों स्ट्रॉबेरी की कोडिंग हो गई है पूरी क्लियर अब लगभग हमारी सारी चीजें पूरी होती हुई चल रही है अब हमें क्या करना है सिंपल सी एक बात हमें करनी है कि देखो अब ये सब तो हो रहा है लेकिन क्या मेरा कैश बढ़ रहा है क्या मेरा कैश बढ़ रहा है नहीं ना तो मेरे को एक चीज पहले बतानी होगी मैं चलता हूं आपके जैसे मैंने फ्लैग दबाया ओके अब जैसे ही एज को ये चेंज करेगा ब्रॉडकास्ट कर देगा होम स्क्रीन और क्या करेगा ये कर देगा वन सेकेंड यहां से हटाते इतनी बार को हमें जोड़ने से अच्छा है मैं चलता हूं नहीं यहीं चलते हैं, यहीं कर देते हैं सिंपल सी बात है थोड़ा सा ही काम लगेगा ब्रॉडकास्ट करा दो स्विच करा दो बैक ड्रॉप टू होम क्लियर एंड ये सारे स्ट्रॉबेरी के लिए कर देना आप करा दो स्विच बैकड्रॉप टू हम्म हो स्विच बैक ड्रॉप टू है ना अब देखो इसको नीचे टच होने देते हैं. खत्म हो गया आप आ गए मेन स्क्रीन पे क्लियर अब थोड़ा सा लेट्स टू अ लिटिल बिट वर्क ऑन एनिमेशन सब सही चल रहा है बट बिफोर दैट लेट्स टू वन थिंग वी विल गो टू द ओके okay? जब इस फ्लैग पे आप क्लिक करोगे ना पांच सेकंड बाद एग हैच होगा एंड देन आपका चेक विजिबल होगा तो इसके लिए क्या करना जब फ्लैग क्लिक हुआ वेट कर देना कितने सेकंड फाइव सेकंड्स उसके बाद स्विच कर देना कॉस्ट्यूम टू आपका हो गया एग नंबर बी एग नंबर बी का कॉस्ट्यूम जो है इसमें एग हैच हो रहा है सो so, एग हैच हो गया क्लियर उसके बाद इसे क्या करना है इसे करा देना अपने आप को हाइड ओके okay? एंड यही चिक को क्या बोलना है मेरे को कि दोस्त व्हेन यहां सब छोड़ दो जब फ्लैग क्लिक हो तब तुम हो जाना हाइड है ना तुम हो जाना हाइड तुम इंतजार करना दोस्त लगभग छह सेकंड एंड तेन तुम विजिबल होना क्लियर अब इसे चला के देखते हैं ओके एंड वन थिंग एग को क्या बोल रहे हैं कि जैसे फ्लैग क्लिक हो तुमको बेटा चेंज कर लेना है अपने कॉस्ट्यूम को एग नंबर ए में अब देखो एक, दो, तीन, चार पांच क्लियर अब चेक विजिबल नहीं हुआ वन सेकेंड क्या मैंने कोई गलती कर दी अरे इसको शो भी तो कराना था वही तो मैं सोचो हाँ ठीक है एक दो तीन चार पांच चिका गया आपका है ना आपका पेट आ गया सिंपल इज करना है इसको आप एक चीज करिएगा जैसे ही गेम चालू होगी कैश आपका जीरो रहेगा ठीक है कैश आपको मिनी गेम से कलेक्ट करना होगा और आपकी हंगर की वैल्यू इंक्रीज होगी ठीक है जैसे ही ये शो करेगा फॉर लगा देना है ना और यहां पे एक वेट ब्लॉक लगा देना हर सेकंड आपकी हंगर एक सेकंड के बाद आपकी हंगर क्या होगी थोड़ी सी बढ़ेगी तो यहां पे क्या करना है आपको यहां पे करना है चेंज हंगर यहां कर दो पॉइंट टू है ना पॉइंट टू क्लियर पॉइंट टू से आपकी हंगर एक हर एक सेकंड बाद बढ़ेगी देखो जैसे विजिबल होगा ठीक है पॉइंट टू हो गई पॉइंट फोर सिक्स क्लियर अब ये हो गया बहुत सिंपल सी बात है अब इसे क्या करना है जैसे गेम चालू होगा आपको हंगर को सेट भी करना होगा जैसे ही फ्लैग क्लिक हुई सेट कर दो हंगर को जीरो पे अभी पैदा हुआ है उसको भूख लगी नहीं है लेकिन थोड़ी देर बाद लगने लगेगी ओके सिंपल सी बात हो गई ये चीज हो गई है ना अब क्या करना है हमें अब चलते हैं थोड़ा स्ट्रॉबेरी वाली चीज पे या मिनी गेम्स वाले मैकेनिक्स पे अब जैसे ही बॉल को टच करेगा हम क्या करेंगे कैश को सॉरी चेंज कैश बाय वन है ना इससे टकरा है इससे टकरा है या बॉल से टकरा है तो वहां चेंज कर देना कैश बाय वन है ना तो जहां आपके कोलिजन डिटेक्शन में टचिंग बॉल है उसे चेंज बाय वन कर देना सिंपल एज दैट एंड इट विल बी वर्किंग फाइन ओके ये चीज हो गई अब देखते हैं इसे ठीक है चालू हुआ पांच सेकंड बाद ये आएगा उसके बाद हम लोग ओके इसकी हंगर बढ़ रही है तो चलते हैं मिनी गेम्स वन सेकंड हा ओ ओ क्लियर तो क्या हुआ जैसे ही वो टच हुआ ये आ गया अब क्या करना है एक को बताना है कि भैया तुम उसके बाद हो जाना हाइड क्लियर एग बी पे करना और फिर हो जाना हाइड हम्म एक सेकेंड ये होम स्क्रीन वाला हटाई दो हाँ सिंपल सी बात है अभी चलेगा अभी एग वापस नहीं आएगा जब ये हैच हो जाएगा उसके बाद एग की कोई चीज है ही नहीं ओके हम चलेंगे मिनी गेम पे क्लियर नीचे वो टच हो गई देखो हार्ड है ए ओ वन टू क्लियर कैश हो पाया मेरे पास अब मैं यहां से फूड शॉप जाना चाहूंगा है ना फूड शॉप oh, वेबसाइट थोड़ी सी बगी हो रही है कोई बात नहीं हम्म है ना अब फूड शॉप पे मैं चलता हूं दोस्तों फूड शॉप पे मैं आया और अगर मैसेज स्प्राइट पे क्लिक करूंगा तो एक एप्पल अपीयर हो जाएगा तो इससे पहले मैं एक एप्पल और ले लेता हूं है ना हम्म <laughs> इसका नाम होगा एप्पल टू हाँ एप्पल टू ओके एप्पल टू को क्या करना है जैसे ही फ्लैग क्लिक होगा और जैसे ही ये क्लिक होगा जैसे ही मैसेज रिसीव होगा तीन चीज देखते हैं जैसे इसे रिसीव हो होम स्क्रीन इसे हो जाना है गायब होम स्क्रीन पे हम्म नहीं नहीं इसे होम स्क्रीन पे गायब नहीं करते दोस्तों इसे यही रहते हैं सिंपल सर रहने देते हैं इसे लुक्स इसे कर दो हाइड इसे कर दो शो ठीक है जब ये स्प्राइट क्लिक होगा तो आपको क्या करना है आपको सेट करना है चेंज करना है कैश के वैल्यू बाय नेगेटिव टेन क्लियर आपने परचेज किया आपका एक खत्म हो गया ओके okay? एंड उसके बाद हम चलते हैं चिकन के पास चिक के पास और उसे हम ये बोलना है कि यार देखो तुम ये तो कर रहे हो हर एक सेकंड बाद हंगर तो बढ़ा ही रहे हो और एक चीज तुमको चेक करना है इफ तुम्हारा जो हंगर लेवल है, है ना यहां से वेरिएबल से हंगर उठा लेना कितने से ज्यादा हो जाए चार से ज्यादा हो जाए मतलब तुम एक्सट्रीमली हंगरी है हंगरी हो जाओ तो तुम्हें क्या करना है तब तुम इस एप्पल की तरफ ट्रेवल कर सकते हो तो यहां जाना गो टू वन सेकेंड ग्लाइड वाला ले लेना तो ये थोड़ा जाते हुए दिखेगा, गोटो से सीधा टेलीपोर्ट हो जाता है वहां एप्पल नंबर टू कितने सेकंड फाइव सेकंड छोटा चिक है टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए ठीक है और यहां से एक बाइट वाला मोशन देना है बाइट वाला मोशन है ना साउंड में गए लेट सर्च हम हम्म बाइट ओके सॉफ्टवेयर क्लियर अब यहां से मैं चला गया साउंड में गिव बाइट वाला साउंड सिंपल सी बात है तुमने उसे टच किया तुमने एप्पल कहा तुम्हारा हंगर भी रिसेट हो जाना चाहिए ठीक है तो यहां पे मैं वेरिएबल्स में सेट हंगर टू कर दूंगा इसे यहां पे एंड कैश को चेंज कर दो हंगर में क्लियर तो हंगर तुम्हारी सेट हो गई सिंपल है स्टार्ट सिंपल है सिंपल लॉजिक है क्लियर और इस एप्पल टू को यह बताना है कि जब तुम चिक से टकराओ तो क्या होगा वो एक्चुअली में एप्पल तो रहा यहां भी एक लगा देना है फॉर एवर इसे ये चेक करना पड़ेगा कि अगर ये टच कर रहा है चिक से तो इसे कर दूंगा मैं हाइड है ना और जब चिक ने उसे खा देखो अब देखते हैं क्लियर इसको होने दो हम्म हम्म वन सेकंड एक चीज और करनी है मेरे को मैं चला गया ये सारी चीजें तो हो ही रही हैं साथ में बैकड्रॉप भी चेंज कर देते हैं बैकड्रॉप वाला एक चीज मिस हो गया अपने से स्विच बैकड्रॉप टू होम देखो है ना वन टू थ्री फोर एंड फाइव आ गया ठीक है अब क्या किया फूड शॉप लिया इसको वन सेकेंड एक चीज और करते हैं एप्पल नंबर वन को क्या कहते हैं जैसे ही स्प्राइट को क्लिक करेंगे मैसेज कर दो कि तुमने सेब खरीद लिया है ओके एप्पल परचेस्ड और एप्पल नंबर टू जो है परचेसिंग के बाद ही विजिबल होगा तो ये क्या करना है ओके हाँ। अब okay, देखते हैं शुरुआत से <laughs> थोड़ा देखो प्रोजेक्ट में देखो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्क्रीनस पढ़ाओगे हर हर स्क्रीन पे एक नई चीज करोगे तो क्या होता है मल्टीपल प्रोजेक्ट का एक साथ मिलके एक पूरा होल मेजर प्रोजेक्ट बनता है ठीक है फोटोशॉप गया एप्पल आ गया देन वी विल नेविगेट बैक टू हेयर ओके एंड वन चीज और एक करनी है इसके कोऑर्डिनेट से, सेट करने क्लियर जैसे ही गेम चालू होगा भैया तुम्हें कहाँ पे रहना है एक मिनट देखूं ये रहेगा हाँ ये गोटू वाला एक ब्लॉक उठा लो यहाँ से मोशन से गए हम्म क्लियर फूड शॉप गया मैं ओके देखो नेगेटिव टू हो गया अब पेट को खिलाना तो है यहाँ पे आएगा ये 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 गया तुम्हारे पेट ने उसे खा लिया सिंपल सी बात है क्लियर उसने खा लिया फिर अपनी जगह आके बैठ गया ठीक है सब चीज हो गई अब एक चीज और कर लेते हैं डू अ ट्रिक ट्रिक करने के लिए एक फुटबॉल ले लेता हूं मैं और उसको एक किक कर देगा सिंपल सी बात है ओके फुटबॉल का साइज तो चिक के साइज से तो बहुत बड़ा है रुक जा भाई रुक जा अभी इतना मत हो हम्म कर देते हैं इसका थर्टी हाँ अब ये हुआ अब जब भी इसको मैसेज मिले कि तुम बॉल विजिबल रहना है ना तो ये यहीं पे विजिबल रहे क्लियर वहां चली गई चिक चिक को क्या दिक्कत हो गई भाई हम्म हम्म एक सेकेंड इसका भी तोड़ है अपने पास अरे यार ये डुप्लीकेट क्यों हो हाँ ये यहां जाना है भैया तुम्हें ठीक है तो शो करके बाद अब हैंगर टू वन ये कर देना है ठीक है चिकन वाला पूरा सिस्टम रेडी हो गया अब हमको दिखाना है डू अ ट्रिक क्लियर सॉकर बॉल सॉकर से बताना होगा कि देखो तुम्हें अगर फ्लैग ने क्लिक कर दिया या तुमने मैसेज रिसीव किया ठीक है क्या मैसेज रिसीव किया एप्पल परचेज है तब भी हाइड रहना क्लियर उसके बाद तुम्हें मिल जाए होम स्क्रीन वाला तब भी हाइड रहना तुम्हें मिल जाए मिनी गेम वाला तब भी हाइड रहना और तुम्हें एक न्यू मैसेज अगर मिले ये मैसेज हो गया डू ट्रिक्स ओके okay, अगर आपको तुम्हें मैसेज मिले कि ट्रिक करनी है देन यू हैव टू बी विजिबल इसको जोड़ते जाते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है लुक्स यहां ऐसे कर लेना हाइड 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 हाइड, हाइड शो क्लियर शो एंड बेल वाले आइकन को क्या बोलना है कि यार तुम जैसे ही तुम्हें दबाओ ना तुम एक मैसेज देना कि डू अ ट्रिक डू ट्रिक्स सिंपल सी बात है जैसे ही ट्रिक पे करने वाला मैसेज भी मिल गया उसे okay? अब बात देखना अब क्या देखना है अब हमें जाना है इसके पास क्लियर ओके okay? और चिकन को भी बोलना कि अगर तुम्हें मैसेज देना कि ट्रिक करो तो चेक तुम क्या करना यहां इसको बोल देना यहां उठा के ले आना वेन यू रिसीव मैसेज डू ट्रिक्स डू वन थिंग तो मूव कर जाना सपोज फिफ्टी स्टेप्स एंड देन एक्स को क्या हो जाएगा एक्सइड टच होगा है ना एक्स एड टच होगा ये क्लियर तो यहां लेके आते हैं ये ठीक है जैसे रिसीव हो डो पहले तो तुम चले जाना इस पोजीशन पे ठीक है और सेंस करना फॉर एवर सेंस करना है आपको अगर आप टच कर रहे हो चेक से ओके मूव टेन स्टेप्स क्लियर फॉर एवर करना आप टेन स्टेप्स मूव बॉल आ गई अभी निकलती देखो किक करेगा उसे ओके इस बॉल को टेलीपोर्ट कर जा रहा है ये इसको यहाँ रखते हैं तो इसका 36 नेगेटिव 36 नेगेटिव 160 कर देता हूँ है ना चालू करते हैं है ना कैश नेगेटिव होता जा रहा है देख रहे हो जितनी बार वो एप्पल खाएगा नेगेटिव हो रहा है तो यू हैव टू प्ले मिनी गेम टू एक्चुअली गेट योर कैश डू अ ट्रिक ओके किक कर दिया इसने सब चीज हो गई अब हम चलते हैं स्टेज की तरफ एंड यहां पे हम कहेंगे कि भैया जैसे ही हो देन आप म्यूजिक चला देने का अच्छा सा यहां गए साउंड्स में एक एक करके साउंड होगी ओके इसे सॉफ्ट कर देना थोड़ी सी एंड देन साउंड्स में जाके प्ले साउंड क्लियर एंड सॉकर बॉल को क्या है जैसे ही वो टच करेगी इसे तो यहां मैं साउंड में सर्च करके देखता हूं ओके okay, ठीक है यही वाला साउंड प्ले साउंड में गया सिंपल hmm. सी बात है हो गया हर चीज पूरा हो गया एंड एक चीज और करनी है मेरे को मैं गया एग वाले पे एग वाला जैसे ही विजिबल होगा मतलब गेम चालू हो रहा है एंड तब एक कर देना वेरिएबल्स में जाके कैश को ये कर देना है और हंगर को भी जीरो कर देना है क्लियर ठीक है लेट्स गो एंड प्ले इसने कर दिया मिनी गेम खेलना पड़ेगा हमें फूड oh, शॉप oh, okay, गया क्या हो फूड शॉप वाले आइकन को मैं एक बार चेक कर लू हम्म कहाँ गया आइकन? फूड शॉप हाँ ये रहा। एवरी थिंग इज फाइन लगता है एक बार हा काम कर रहा है ठीक है ओके प्ले अगेन ओ, 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 ओ ओके फूड शॉप में गया मैं एक सेकेंड मेरे को इस एरो की कोडिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है हाँ भैया जैसे तुम ब्रॉडकास्ट करोगे उसके बाद तुम छुप भी जाना तुम स्क्रीन के ऊपर रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी लेट्स चेक ओके फाइन ओके पूरा का पूरा गेम बन के रेडी हो गया है वन सेकेंड टच हो गया यार वन टू थ्री फोर ओके फूड शॉप पे गया ये एरो वाला ही थोड़ा इसमें चेक करना होगा भैया जब फ्लैग हो वन आई रिसीव फूड शॉप ओके भैया और चीज तुम देख लो जब तुम्हें मिले और भी चीजें मिल सकती हैं तुम्हें तुम्हें और भी मैसेजेस मिल सकते हैं ले लेता हूं सारे मैसेजेस तुम्हें मैसेज मिल गया कि भैया डू ट्रिक्स तब भी तुम छुपे रहना तुम्हें मैसेज मिल गया मिनी गेम तब भी तुम छुपे रहना हम्म Mm <laughs> mm <laughs> ओके okay. ठीक है यार ये कोड में तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है ये थोड़ा वेबसाइट लैग कर रही है इसीलिए तुम्हारी हर चीज काम कर रही है है ना एक बार इसे चलाओ कैश जीरो म्यूजिक जीरो चल रहा है चेक आ गया इधर क्लियर एंड अ ट्रिक में ट्रिक भी ओके okay. ट्रिक भी कर रहा है मिनी गेम्स भी तुम खेल सकते हो ये फूड फूड शॉप शॉप वाला वाला चेक चेक करना होगा भाई पहले हम करें इस मिनी गेम वाले को तो मिनी गेम वाले क्या हम्म 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 मिनी गेम पे कर रहा हूं कहीं से हाँ हाँ हा 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 गलती से मेरे से एरो दब जा रहा है वो हाइड है लेकिन वो वहां है यही दिक्कत हो रही है इसको चेंज करना पड़ेगा कहां पर है भैया ये तुम एरो एरो को ले आता हूं नीचे इसका वाई कर देता हूं नेगेटिव हम्म ओके सिंपल सी बात है अब देखो कोड में कोई गलती नहीं है है ना ये जो प्रोजेक्ट है ना जो मैंने आपको शोकेस किया था ये मैंने वेबसाइट पे कोड नहीं किया था ये मैंने एक्चुअल स्क्रैच को डाउनलोड किया it, ये कोडेड इट एंड उसके बाद सब चीज उसी में कोड करी उसके बाद मैंने अपलोड किया था और ये वेबसाइट के इश्यू आ रहे हैं ठीक है थीके? कभी चलता है कभी नहीं चलता है कभी उसमें टच होता है नहीं होता है तो तुम्हारे कोड में कोई दिक्कत नहीं है तो घबराना नहीं ठीक है मैं इस प्रोजेक्ट का भी लिंक आपको शेयर करूंगा आपके नीचे आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन अगेन बच्चों देखते हैं क्या किया आज हम लोगों ने हम लोगों ने बनाया एक वर्चुअल पेट है ना वो पेट बहुत सारी चीजें कर सकता था बट एट द एंड ऑफ द डे वॉट वी लर्न वी लर्न हाउ टू डू मल्टी स्क्रीन नेविगेशन है ना आप देखोगे जितनी स्क्रीन्स हो रही थी उतने बार हर एक अलग स्क्रीन का एक मैसेज था कि ब्रॉडकास्ट करो फूड शॉप ब्रॉडकास्ट करो मिनी गेम ब्रॉडकास्ट करो ये और हर बार जितने ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग मैसेजेस जितने ज्यादा एलिमेंट्स उतने ज्यादा नंबर ऑफ बार आपको ये करना पड़ता था तो छुपो शो छुपो शो इस तरीके से है ना तब ये चीज़ कहां यूज़ हो सकती है अभी आने वाली क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं ऐप डेवलपमेंट किसी भी एक ऐप को ले लो उसमें मल्टीपल स्क्रीन्स होती हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेसबुक लॉग इन स्क्रीन होगी मेन पेज हो गया हो हो गया then आपके गए तो मल्टीपल स्क्रीन होती हैं वहां भी यही सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है ठीक है तो वह हम देखेंगे उसे कैसे करना है क्लियर घबराने की बात नहीं है मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में इस वर्चुअल पेट्स को आप भी बनाइए और इसमें कुछ ना कुछ अपने तरीके से आप ऐड करिए दोस्तों आप एक क्या कर सकते हैं पेट शॉप कर सकते हैं पेट शॉप जैसे मैंने आपको शॉप्स बनाना सिखाई फूड आप एक पेट शॉप बना दो उसमें एक ड्रैगन रख दो कुछ भी रख दो क्लिक किया चिकन की जगह उससे रिप्लेस हो गया है ना तो आपको एक्सप्लोर करना है द थिंग इज यू हैव टू एक्सप्लोर आफ्टर एक्सप्लोरिंग विल बी एबल टू क्रिएट वंडरफुल थिंग्स ओके सो डोंट पैनिक एंड बने रहिए हमारे साथ मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में तब तक के लिए अलविदा टेक केयर